हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर मैट्रिक्स। आज किस वीडियो में अगेन हम आपके सामने ले आए हैं ओला S1X प्लस का ओनरशिप रिव्यू। ये वही स्कूटर है जिसका ओनरशिप रिव्यू हमने दो हफ्ते पहले लिया था। ये है स्कूटर करण भैया का और ये अब तक चल चुकी है 1000 प्लस किलोमीटर्स। सो भैया ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुका है कि इसकी जो राइडिंग एक्सपीरियंस है कैसा है, बैटरी की परफॉर्मेंस कैसा है और जो हेडलैम्प थ्रो है उनका नाइट में कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैं अब बुलाने वाला हूँ भैया को। करण भैया आइए प्लीज़। तो भैया कैसे हैं आप? बढ़िया। हाँ, तो आप स्टार्टिंग में अगर आप कुछ बताना चाहें इसके बारे में, कुछ बेसिक चीज़ें तो आप पहले बता दीजिए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। इस स्कूटर में क्योंकि मैंने 1000 किलोमीटर इसको राइड कर लिया, तो इसकी पहले मैं बिल्ड क्वालिटी बताऊंगा, क्योंकि मैंने 1000 किलोमीटर यदि कोई भी गाड़ी चलती है तो बिल्ड क्वालिटी या कहीं से आवाज़ आती है नहीं। तो इस स्कूटर में अभी तक मेरे को ऐसा मेजर इशू देखने को नहीं मिला बिल्ड क्वालिटी से लेकर। अच्छा, एक नंबर में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भैया मैंने पहले भी आपसे पूछा रहा है फिर, तो पहले क्या था, ये 500 किलोमीटर चल चुकी रही है, अब क्या है 1000 प्लस चल चुकी है। तो मैं अगेन आपसे यही पूछना चाहूँगा, इसकी जो रियल रेंज है वो कितनी है? क्योंकि पहले मैं 500 किलोमीटर राइड किया था तो उतना मेरे को अभी एक्सपीरियंस नहीं था। अब मैं जैसे 1000 किलोमीटर चला लिया हूँ तो उसमें मेरे को जो ट्रू रेंज मिलती है इसमें 95 किलोमीटर मिल जाती है, वो भी सिंगल चार्ज में, नॉर्मल मोड जब आप सिलेक्ट करते हो तब। और इको मोड यदि जब सिलेक्ट करते हो तो आपको करीबन 115 करीबन मिल जाती है। अच्छा, वैसे कंपनी कितना क्लेम करती है? कंपनी इको मोड में, सॉरी नॉर्मल मोड में क्लेम करती है 125। अच्छा, और जैसे आपने इसको तो बहुत बार चार्ज कर ही चुका होगा तो बिल्कुल, तो एवरेज मतलब कि कितना टाइम लगता है इसको फुल चार्ज होने में? 0 to 100? 0 to 100 इसमें 6 घंटे अप्रॉक्स लग जाता है। अच्छा, और फिलहाल मैं एक बार और हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें जो कंपनी क्लेम करती है कि चार्जर 500 वॉट का देती है, बट अभी जो न्यू डिलीवरी हो रही है उसमें ऐसा नहीं है, 750 वॉट का जैसे एयर में मिलता है चार्जर। अच्छा, वो बेसिकली मेरे को मिला हुआ। हाँ, तो वो मेरे को मिला हुआ, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी चार्ज होती है, क्योंकि इसका जो चार्जिंग आवर है कंपनी क्लेम करती है वो 7-7.5 घंटे का है, इसलिए कम टाइम मेरे को। तो और इसका जो बैटरी का परफॉर्मेंस है वो कैसा है? बैटरी का परफॉर्मेंस तो बढ़िया है, कोई अभी ऐसा इशू आया नहीं मेरे को। बट बैटरी की यदि बात करूँ तो क्या, हम लोग ने इसमें 3 लोग भी राइड किए हैं अलग अलग कंडीशन में, मैंने चेक भी। आपने 3 लोग राइड किए हैं तो उसका रनिंग कितना रहा होगा, कितने किलोमीटर आपने 3 लोग के साथ? वो मैं करीबन 25 किलोमीटर, क्योंकि नागौर से सतना का डिस्टेंस मेरे घर तक का डिस्टेंस पड़ता है 30 किलोमीटर, और उसको मैंने, जो मेरे साथी थे 2 लोग उनको मैंने बस स्टैंड में छोड़ा था, तो वहाँ पास 25 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा होगा करीब। और ज़्यादातर मैंने इको मोड में ही वहाँ पास कवर किया था, क्योंकि बैटरी भी कम थी मेरे स्कूटर में, उस टाइम 48K अप्रॉक्स बैटरी थी। तो क्योंकि मेरे को सबसे मोटिव, क्योंकि सबसे पहले मेरे को आप ये बताइए कि जैसे आप 3 लोग बैठे हुए थे तो इनका वेट कितना रहा होगा? वेट तो करीबन टोटल यदि वेट की बात करें तो 200 प्लस ही था, क्योंकि मेरा करीबन 60 हो जाता है, मेरे दोस्त का 60 हो जाता है, और एक जो और है भी आदमी था थोड़े, तो 200 प्लस ही वेट था उसका। तो वहाँ पर कोई इसने मतलब प्रॉब्लम क्रिएट की, कुछ भी प्रॉब्लम, नॉइज आना या फिर लगे कि पावर कम मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं? पावर से तो कोई भी पावर इसमें, यदि 4 क्विंटल भी बैठा लूँगा तो मेरे को ऐसा लगता है फिलहाल कि पावर में तो कोई कमी नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि इस स्कूटर में जो मोटर की पिक आउटपुट है वो यार अलग है। ओला में किसी भी गाड़ी में बात करूँ, जैन 1 की बात करूँ, एयर की बात करूँ या इसकी बात करूँ, क्योंकि मैंने 3 ही राइड करा हुआ है, तो पावर के मामले में तो कितना भी आप लोड रख लो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि अगर आप इसको वॉश करवाते हैं या फिर रेन हो रही है तो वहाँ पर ऐसा कुछ लगता है कि ब्रेकिंग में इशू आ रहा है या फिर कोई इसमें दिक्कत या प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है पानी की वजह से, ऐसा कुछ? पानी की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत है, क्योंकि यदि आप इसको वॉश करते हो तो वो तो रखना ही पड़ता है। मतलब क्या क्या फील किया इस पे? मैं, क्योंकि लास्ट वीक हमारे इधर रेन भी हुई है, थोड़ा बहुत बरसे भी हुई है, तो गाड़ी बाहर भी खड़ी हुई थी,
तो उस दौरान मैंने फेस किया है कि इसकी जो ब्रेकिंग, पीछे का जो ब्रेक था उससे थोड़ी नॉइस आ रही थी। अब वो पता नहीं क्या इशू रहा होगा, उसके अंदर पानी गया हो या कुछ कीचड़ ज़्यादा लग गई थी। तो मैंने वॉश भी करा था इसको हल्का फुल्का, हाँ बहुत हैवी तो नहीं किया था, क्योंकि बैटरी वगैरह मेरे को लग रही थी कि यार कहीं पानी चला जाएगा तो बंद हो जाएगी। एक तो डर रहती है ईवी में, ये तो डर बनी ही रहती है, यदि आप वॉश अच्छी तरह से धुलते हो, रब तो इसको धुल नहीं सकते। हाँ मतलब मन में एक डाउट रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ वो हो ना रहेगा ही जाए। रहेगा वो मेरे, क्योंकि मैं ईवी कई दिनों से यूज कर रहा हूँ और अभी इसको लिया हूँ तब भी डाउट है भाई कि कहीं धुल देता हूँ तो कहीं बंद ना हो जाए, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, पानी ना चल जाए कंट्रोलर पे, तो वो थोड़ा सा डर अंदर बैठी रहती है। इसीलिए अच्छा अभी तक करीबन मैं 1000 किलोमीटर इसको चला लिया, अभी तक वॉश नहीं किया, हल्का फुल्का किया हूँ, वो भी रिम में ऐसे थोड़ा बहुत कीचड़ लग गया तो धुल दिया, बाहर बाहर से धुल दिया, बट अच्छा अंदर मैंने इतना कोशिश नहीं की कि अंदर प्रेशर से धुला जाए। हाँ मतलब बाहरी पार्ट है। और जब हम पिछली बार मिले रहे हैं तो मैंने आपसे पूछा रहा है कि इसका नाइट में हेडलैम्प थ्रो कैसा है, तब आपने बताया था कि मैंने अभी बहुत राइड नहीं किया, मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया नाइट पे, हाँ लेकिन अब मुझे लगता है कि आप नाइट पे एक्सपीरियंस कर लिए होंगे, तो हाँ आप अब बताइए कि हेडलैम्प थ्रो इसका कैसा है। हेडलाइट का जो थ्रो है वो तो अलग ही है, क्योंकि देखिए, क्योंकि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसमें दिए होते हैं पहले से ही। तो मैंने अभी करीबन 1000 किलोमीटर में 100 या 150 किलोमीटर मैंने राइड में भी नाइट किया है, राइड किया है, तो उस दौरान देखा हूँ कोई भी दिक्कत तो आई नहीं मेरे को अभी फिलहाल। लाइट एकदम मतलब प्रॉपर जितना स्कूटर को दिखना चाहिए, आगे अपने को चलना चाहिए उस हिसाब से ठीक है। अच्छा, और ये गाड़ी मतलब स्पेसियस कितना है, स्पेस कितना ऑफर करती है, अगर हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई कुछ भी स्टफ है तो ऐसा लगता है कि ये इस पे नहीं बन पाएगा, ये फिर प्रॉब्लम होगी कैरी करने पे, नहीं इसमें स्पेस मतलब तो अगर आप कुछ एक्सपीरियंस किए हो कि। इसमें तो स्पेस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इसमें उसके लिए लिया ही हूँ, आगे इतना स्पेस मिल जाता है, दो पॉकेट मिल जाते हैं तो वहाँ मैं कैरी करता हूँ, और इसके सीट के अंदर भी बहुत ज़्यादा 34 लीटर का जैसे स्पेस है। जैसे मैं नौगांव जाता हूँ तो स्पेयर लेने, क्योंकि ईवी का मेरा काम भी है स्पेयर पार्ट का, तो जब मैं स्पेयर लेने जाता हूँ वहाँ तो पूरी डिग्गी पहले मेरे को एक बॉक्स से बनाना रहता रहा है और फिर मेरे को लाता था मैं वहाँ से, बट अब ऐसी मेरे को नीड नहीं पड़ती, ना तो बॉक्स की नीड पड़ती, इसी में मैं डाल लेता हूँ डिग्गी के अंदर और अपना स्पेयर लेकर आ जाता हूँ, और आगे भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, स्पेस मेरे को काफ़ी बेहतरीन मिल जाता है इसमें। तो स्पेस के मामले में तो मेरे घर के भी फैन है इसमें, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो भी फैन है भाई, स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है हाँ, उस और वजह इसमें जब से फ्लैट फुट बोर्ड आया है तब से और भी अच्छा हाँ, है फ्लैट स्पेस। फुट बोर्ड जब से आया है वो एक एडवांटेज ही है वैसे, हाँ क्योंकि पहले यहाँ पास हम पे रहा करता था, वो ओला ने अपडेट किया है, वो काफ़ी अच्छा है इसमें। आप इसको डेली कितना यूज़ में लेते हैं, कितने किलोमीटर्स आप कवर करते हैं डेली। अब वीक में यदि बोला जाए, क्योंकि डेली कभी कभार ऐसा होता है कि किसी दिन 10 किलोमीटर यूज़ होता है, किसी दिन 30 किलोमीटर यूज़ होता है, तो एवरेज यदि मैं बात करूँ तो करीबन 20 से 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर बोल सकते हैं अच्छा एक वीक की यदि मैं बात करूँ, वीक में यदि एवरेज निकालूँ तो 30-35 किलोमीटर। अच्छा और इसकी टॉप स्पीड कितनी होगी, आप मतलब कितना इसको ले जा चुके हैं टॉप स्पीड। टॉप स्पीड मैंने मैक्सिमम जो कि कंपनी क्लेम करती है 90, उतना ही। उतना मैंने खींचा है इसको। अच्छा मतलब जो कंपनी क्लेम कर रही है वो सही है। हाँ वो सही पहुंच है। जाती है उधर। और डिस्प्ले का कैसा रिस्पॉन्स है। डिस्प्ले में तो सेमी डिस्प्ले मिलता है, तो डिस्प्ले में तो कोई दिक्कत आती नहीं, क्योंकि न तो टच है ऐसा, हाँ और विजिबिलिटी भी बढ़िया है, हाँ रात में यदि अपन चलते हैं, दिन पे भी चलते हैं तो कोई दिक्कत आती नहीं देखने में। हाँ अच्छा, वो भी ठीक है। और ऐसे आपने बताया कि आप 3 लोग के साथ ट्रेवल किए रहे हैं, तो वहाँ पर सस्पेंशंस का मतलब परफॉर्मेंस कैसा रहा, ऐसा लगा कि बहुत दिक्कत आ रही है ऐसा कुछ। आप क्या है कि आप भी जानते हो कि दोस्त बहुत कमीने होते हैं, हाँ और मेरे साथ भी ऐसा था कि दो दोस्त बहुत ही कमीने थे, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिक लिया हूँ तो उनको भी मजा आती है यार, फ्री में जा रहे हैं और ये खराब हो जाए कहीं तो इसकी एकदम मजा ले, तो उनको ऐसा लग रहा था 48% मैंने बैटरी इसमें चार्ज करी हुई थी। अब दो दोस्त जो थे, एक जो पीछे वाला था थोड़ी हेल्दी था, वो तो और बार बार जंप कर रहा था अच्छा पीछे, जैसे मैं इको मोड में सेलेक्ट किया होता, क्योंकि बैटरी थोड़ा सा मेरे को लग रही थी कि यार पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि मैं 30 किलोमीटर फर्स्ट टाइम ऐसे राइड किया था, तो वो पीछे बैठा हुआ था, तो कई बार ऐसे किया, 3 से 4 बार उसने किया, फिर बीच जो दूसरा दोस्त था वो मना किया, वो जंप कर रहा था पीछे बैठ अच्छा कर कूद रहा था, हाँ तो उस हिसाब से मैं देखा हूँ पीछे के शॉकर तो एक नंबर के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ क्योंकि वो टेस्ट कर रहा था एक टाइप से, दोस्त होते ही हैं ऐसे। हाँ बाकी फ्रंट फ्रंट का
फ्रंट के तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि नॉइस आती है, पता नहीं किस चीज़ की नॉइस है, वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसी आती है नॉइस। वो स्प्रिंग की है या सॉकर की है ये तो मेरे को नहीं पता फिलहाल अभी। ये सॉकर की है या फिर स्प्रिंग लगी रहती है सॉकर पे उसकी है। तो ये स्टार्टिंग से आ रही है कि फिर नहीं, स्टार्टिंग से जैसे मैंने डिलीवरी लिया था उस दौरान एक दो दिन नहीं आई, तीसरे दिन से ये रेगुलर चालू हुई। तो मैंने इसमें कुछ ज्यादा प्रेशर भी नहीं दिया अपने पे कि कोई प्रॉब्लम है, मेरे को तो नहीं लगती है जैसे प्रॉब्लम है ये। ये मेरे को लगता है कि अंदर स्प्रिंग जो रहती है उसकी नॉइज है। अच्छा, वो सब तो ठीक है। और इसका जो सीट है उसका कम्फर्ट कैसा है? सीट का कम्फर्ट तो बहुत बढ़िया है क्योंकि मैंने इसको लंबी दूरी भी तय की है, क्योंकि मैं इसी स्कूटर के साथ रेंज टेस्ट भी कर चुका हूँ एक बार, और करीबन मैं एक सिंगल चार्ज में 70 से 80 किलोमीटर एक बारी में मैं गया हूँ, कहीं भी ब्रेक नहीं लिया। हाँ, तो कंटिन्यू 80 किलोमीटर तो कंटिन्यू मैंने करा है, फिर ब्रेक लिया 5 मिनट का, फिर मैंने 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का ऐसा आगे गया हूँ। तो उस कंडीशन में मेरे ना तो पीठ पे दर्द था ना तो, मतलब कि बहुत कंफर्ट थी। और ये उसके पहले, यदि इसके पहले मैं चलाता था यमहा की अल्फा स्कूटर चलाया करता था, यूज किया करता था, उसमें यदि मैं 40 किलोमीटर भी कहीं जाऊँ ना तो पीठ में मेरे दर्द हुआ करता था, बट इसमें ऐसा नहीं है। मतलब इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो भी अच्छा है? वो भी हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपने क्या है दो लोगों के साथ भी ट्रेवल तो किया ही है, लेकिन आपने तीन लोग के साथ भी ट्रेवल कर चुके हैं जैसे आपने बताया, तो तीन लोग में कंफर्ट कैसा रहता है? बहुत अच्छा तो रहता ना होगा, पर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा है। थोड़ा सा दिक्कत, नहीं थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत रहती है। अब क्या था कि हम लोग तो, मेरा तो, मैं इतने में बैठा हुआ था, इतने में जब मैं नागाव से आया, और मेरा जो दूसरा दोस्त था यहाँ तक घेरा हुआ था, तीसरा यहाँ तक, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। बट स्कूटी है तो उतना अपन 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर आसानी से जा सकते हैं। हाँ, और मेन क्या है जो फुट रेस्ट है वो एक लोगों के लिए है। हाँ, सिंगल लोगों के लिए तो वो, बट एक बंदा झुलाया हुआ था, पैर नीचे झुलाया हुआ, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं थी, बोला भैया चलिए। अच्छा, वो भी कंफर्ट। हाँ हाँ, उसमें तो अभी ऐसा कहीं कंप्लेन नहीं आई मेरे को। 30 जैसे मैं 25 किलोमीटर आया हूँ तो ऐसा कहीं पीछे वाला कंप्लेन नहीं किया यार कि बेकार है गाड़ी, पैर दर्द करने लगी। और एक बारी में हम लोग वहीं से, वही दोस्त थे, बुलेट से आ रहे थे तीनों लोग, और पीछे वो फिर से वो बैठा था वो दोस्त मेरा, तो वो बहुत कंप्लेन कर रहा था, पैर दर्द करने लगे, पैर दर्द करने लगे। तो इसमें ऐसा उसने कंप्लेन नहीं करी। अच्छा, मतलब बुलेट में कंप्लेन किया रहा, इसमें नहीं? हाँ, इसमें नहीं करी ये चीज। और ये जो इसकी बटन्स हैं इनकी क्वालिटी कैसी है? मतलब कि अगर ऐसा कभी इशू हुआ है कि ये बटन प्रॉपर काम ना कर रही हो एक बार में, दो बार में, ऐसा कुछ नहीं अभी तक मेरे को स्विच से लेकर कोई भी शिकायत? प्रॉपर रिस्पॉन्स करती हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। भैया, मेरे मन में मतलब बहुत दिनों से एक डाउट आ रहा है। मतलब मैं ओला जब भी देखता हूँ तो जैसे यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट रहता है, इसको एक बार क्लिक करते हैं, सपोज करिए ये बाहर खड़ी है, ठीक है, किसी ने क्लिक कर दिया, ये ओपन है, अब बारिश हो रही है, अब पानी चला गया इसके अंदर, तब तो प्रॉब्लम मतलब होगी ना? वो तो प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है। वो अब मैं अभी की बात करूँ, दो दिन पहले की बात करता हूँ, मैं गया था बस स्टैंड, तो बस स्टैंड के आसपास वापस 3-4 स्टूडेंट रहे होंगे और प्राइमरी में ही रहेंगे 10th के आसपास, तो गाड़ी खड़ी हुई थी, वो आसपास देख रहे थे ऐसे स्कूटर कौन सी स्कूटर है, बार बार वो सारी चीज़ें देखें, यहाँ भी क्लिक किए, फिर पीछे एक बंदा जाता है और इसे क्लिक करता है, और क्लिक कर कर मैं देख रहा हूँ दूर से कर क्या रहे हैं, क्लिक कर कर उसको ओपन कर कर चले गए। तो ये थोड़ी सी दिक्कत तो मेरे को जेन्युइन लगती है, और ये इसको थोड़ा सा यदि अपडेट कर देना ओला तो एक नंबर हो जाए। हाँ, मतलब यहाँ एक लॉक होना चाहिए। हाँ, वो चीज़ हाँ ऑपरेट करे देन उसके बाद, क्योंकि हर जगह तो उसको ओपन करना नहीं है, अपन जब चार्जिंग में लगाएंगे तभी ओपन करेंगे, तो वो चीज़ें उसको यदि अपडेट कर देना तो सही हो जाता। और मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनके अलावा मतलब कोई भी इशू आता हो तो वो आप कवर कर सकते हैं मतलब, और उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ इसकी क्या है, मतलब आपको क्या लगी कि ये बहुत बेहतरीन इस पर है? मैंने बाकी पहले तो मैं जो इस क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगा, जो इसमें प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत इशू मैंने देखा है, फेस किया है, जब इसको मैंने अनलॉक करता हूँ तो कभी कभार ऐसा होता है एप्लीकेशन से, जब ओला इलेक्ट्रिक ऐप से जब मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो कई बार ऐसा होता है, 10 बार में से 3 बार ऐसा होता है कि उससे अनलॉक नहीं होता।
ओला इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन से, वो रिस्पांस नहीं करता, वो रिस्पांस नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं करता, क्या इशू है वो अभी फिर को तो पता ही नहीं, तो फिर यहाँ से मैनुअल करना होता है। तो एक इशू मेरे को ये समझ में आया दिखा, और मेरे को फिलहाल इस स्कूटर में चार्जिंग से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चार्जिंग से लेकर क्या होता है कि एक टाइम ऐसा हुआ था कि मैं स्कूटर को लगा दिया चार्ज में होने में, अब मैं देखता हूँ कि चार्जिंग हुई कितनी है, करीबन मैं देखा कि 83 के अप्रॉक्स चार्ज हो गई थी गाड़ी। फिर मेरे को लगा यार कि चार्ज हो रही है नहीं हो रही, टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो उस दौरान मेरे को ऐसा फेस हुआ कि 83 से 84 जाने में 20 मिनट का टाइम लगा था, 1% होने में 20 मिनट। हाँ, अब वो मेरे को लगा यार कुछ ना कुछ स्कूटर में दिक्कत है, तो मैं उसको अनप्लग किया। देन इसके बाद मैं बोला कि यार इतना चार्ज है ठीक है, फिर मैंने कुछ नहीं किया, चार्जर को निकाल कर रख दिया। फिर मैं एक्सपीरियंस सेंटर गया और एक्सपीरियंस सेंटर में मैंने उनको ये चीज़ें बताई, तो उन्होंने बोला कि भाई आप चार्ज यहाँ लगाओ। जैसे ही मैंने प्लग किया वहाँ, मैं प्लग नहीं किया था, वही किए थे उन्होंने किया प्लग, और एक दो बार अपने चार्जर को उन्होंने रिस्टार्ट किया था, जैसे ही किए तो प्रॉपर चार्ज हो रही थी। तो ऐसा थोड़ा सा चार्जर से लेकर है दिक्कत। तो ये एक ही बार हुआ है आपके साथ कि? ये मेरे को दो बार ऐसा फेस हुआ है। दो बार हुआ है। हाँ। और आप अब तक मतलब कितने बार जा चुके हैं सर्विस सेंटर? एक ही बार मैं प्रॉब्लम लेकर तो एक बार ही गया। अच्छा। हाँ, और मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और आपको इसकी सबसे अच्छी बात क्या लगी, मतलब अब तक तो आप पता कर लिए होंगे कि हाँ ये जो फीचर है ये है बहुत बेहतर है? सबसे अच्छा मेरे को दो तीन चीज लगती है, एक तो मैं बताऊंगा नहीं, दो तीन चीज। पहले तो इसका अनलॉक, जो अप्रोक्सीमेटली अनलॉक है ना, वो भाई गजब है। अब क्या होता है कि अप्रोक्सीमेटली अनलॉक जो है तो मैं इनेबल कर रखा हुआ, अब तो गाड़ी को मैं नटो टच करता हूँ, जैसे ही नज़दीक आता हूँ तुरंत अनलॉक होती है, जैसे ही दूर जाता हूँ ऑटोमेटिक ही ऑफ होती है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत बेटर लगती है। फिर सेकंड इसका जो पॉइंट है क्रूज कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल के मामले में तो कहीं जाता हूँ, यदि 40-50 किलोमीटर में जाता हूँ तो क्रूज़ कंट्रोल का मैं यूज़ करता ही करता हूँ। ये दो चीज़ मेरे को बहुत बेहतरीन लगती है इसकी। दोस्तों इस स्कूटर में एक चीज़ और मेरे को ऐसा लगती है कि बेकार है, इसको अपडेट करें तो बढ़िया हो सकता है। इस स्कूटर में जब मैं अनलॉक करता हूँ या लॉक करने की कोशिश करता हूँ तो ये एक साइड ही हो पाएगी, जैसे ये हैंडल है ना। हाँ। यदि मैंने इस तरह कर क्योंकि आप जब IC इंजन वाले स्कूटर देखते हैं। हाँ। तो इस साइड यदि करते हो तब लॉक करते हो तब भी वो लॉक हो जाती है। हाँ, उधर भी हो जाती है। हाँ, इधर भी हो जाती है, दोनों साइड लॉक हो जाती है। बट इस स्कूटर में ऐसा है कि एक साइड ही लॉक होती है, राइट साइड। आपको लेफ्ट साइड जैसे अपन झुकाएंगे ना। हाँ। तभी ये लॉक होगी। अच्छा। वरना यह स्कूटर लॉक नहीं होगी। यदि आप फ्रंट में ऐसे कर दिए हैंडल या उधर कर देते हो तब लॉक नहीं होगी, आपको इधर झुकाना ही पड़ेगा, नहीं तो हैंडल लॉक नहीं होगा। तो ये है पता नहीं क्यों ऐसा करा हुआ है। सारी ओला में है कि नहीं? ये सभी इस ओला में है, जितनी ओला आती है सभी में है। अब पता नहीं ये क्यों करा हुआ है, बेनिफिट है या प्रॉब्लम है? नहीं, इससे मतलब आपको प्रॉब्लम होती कि नहीं होती? नहीं, इसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। ये वैसे अच्छा भी है क्योंकि कभी कभार यदि स्कूटर नहीं चल रहा, आप इधर फ्रंट में पूरा हैंडल किए हुए तो आप इजिली जा सकते हो, तो ये वैसे आप सही है। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू ऑफ ओला S1X Plus, जहाँ पर भैया ने सारी चीज़ें कवर की। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, भैया अवेलेबल रहेंगे, वो सारे आपके डाउट क्लियर करेंगे।